आज हम बनाएंगे पालक के बैगन। जी हाँ, पालक और बैगन से बना एक साग जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बस आप एक बार खा के देखो, आप दो के जगह चार रोटी खा लोगे। इसके लिए मैंने दो बैगन ले लिया है और आधा केजी मैंने ले लिया है पालक, और साथ में एक लहसुन ले लिया है मैंने। बैगन को इसके लिए हमें पतला पतला काटना है। हाँ, आप जिस भी शेप में काटे बट पतला पतला वो होना चाहिए, तो मैं इस शेप में काट रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बैगन लगभग काट लिया है और इधर मैंने पालक साग को भी काट लिया है, और इसे मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश कर लेने के बाद अब हम ले लेंगे लहसुन और इसे हम इसमें क्रश कर लेंगे। तो चलिए, सारा कुछ हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल, उसमें हम ये पचफोरन डालेंगे जो कि मेथी, सौंफ, मंगरेला, इन सब का मिक्सचर होता है। इसमें साथ में मैं डाल रही हूँ चार सूखा हुआ लाल मिर्च, आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से डालिए। तो इसके बाद हम डाल देंगे जो लहसुन हमने क्रश किया था, उसे हम इसमें डाल देंगे और उसको ब्राउन होने तक भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो चला जाए कम्प्लीटली। तो ये देखिए, ये हमारा ब्राउन हो चुका है लहसुन। अब जो हमने बैगन काटा था पतले स्लाइसेस में, उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसके बाद जो हमने साग धो के रखा है ये भी हम इसमें डाल देंगे साथ में। आपको याद दिला दूँ, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, और इसके बाद हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि साग जो है ना वो गलने के बाद थोड़ा सा ही हो जाता है। और अब हम इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, लेकिन हम ढकेंगे इसे थोड़ी देर के लिए ही ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप ना ढकें क्योंकि साग जो है वो पानी छोड़ता है, और जब आप ढक्कन हटा के रखेंगे तो पानी जल्दी सूखेगा। ये बैगन हमें ऐसा ही दिख रहा है, इसीलिए इस कलछुल के हेल्प से हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी भी थोड़ा सा ये गीला गीला सा लग रहा है, तो थोड़ी देर हम और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये लगभग इस तरह का हो गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा और हम पकाएंगे। और ये लगभग हमारा, देखिए साग जो है वो नीचे चिपक रहा है, मतलब ये लगभग हमारा हो चुका है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप इस साग को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसा बना है। इसके साथ मैंने रोटी बना लिया है, और रोटी पे मैंने लगा दिया है घी, और ये साग मैंने निकाल लिया है, और साग के ऊपर और भी बेहतर टेस्ट के लिए मैंने डाल दिया है बटर। ये बटर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें आप नहीं डालें। तो साग और बैगन के इस कॉम्बिनेशन से आप एक बार पालक को बना के देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो लाइक का बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। बाय बाय।